मंडला जिले में इन दिनों ज्यादातर रेत खदानें पिछले कई महीनों से बंद हैं, जिसके चलते रेत व्यापारियों और मजदूरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सैकड़ों रेत व्यापारी ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे। इस दौरान विधायक मर्सकोले ने कलेक्टर को रेत व्यापारियों की समस्या बताई। उन्होंने कहा कि रेत न मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि मंडला जिले की जो एक रेत खदान चालू है उस रेत खदान से अन्य जिलों में रेत जा रही है, लेकिन जिले के लोगों को ही रेत नहीं दी जा रही। वहीं कलेक्टर ने रेत व्यापारियों की समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। मंडला के लोगों को रेत नहीं मिल पा रहा है और बाहर वाले जबलपुर और बाहर वाले आराम से यहां पर से रेत लेके जा पा रहे हैं। ये मुझे संज्ञान में आया और काफी टाइम से जब मैं अपने क्षेत्रों में जा रहा हूं तो उन्होंने अपनी तकलीफें भी बताई है कि रेत उपलब्ध नहीं होने से यहां का निर्माण कार्य बंद है। हमारे यहां पे अभी नए टेंडर हुए हैं और उसके अंतर्गत हमारे नए रेत खदान भी संचालित नहीं हुए हैं, जिससे रेत की उपलब्धता में भी दिक्कत जा रही है। इन सभी विषयों के संबंध में अभी फिलहाल जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे जो जितने भी नए रेत खदान हैं उसके लिए जितनी भी जो कार्रवाइयाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। शासन से भी केवल उसका फाइनल अग्रीमेंट होना है, जो मुझे लगता है कि ये सप्ताह के अंदर हो जाएगा और हमारे जो ये सभी रेत खदान हैं वो वापस फंक्शनिंग स्टेट में आ जाएंगे और उससे हमारी जो रेत उपलब्धता है उसकी दिक्कत कम होगी।